कम गर्मी के मौसम में बच्चे को दिन में एक दफा भी अच्छी तरह नहला दिया जाए तो गुजारा हो जाता है, उसका जिस्म साफ सुथरा और तरोताजा रहता है। दूसरी तरफ अगर गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर 30-32 से ज़्यादा चल रहा हो, ख़ास तौर पर जुलाई अगस्त का महीना हो जिसमें बाकी दिनों की निस्बत हब्स और पसीना सबसे ज़्यादा आता है, तो ऐसे मौसम में जिस्म सबसे ज़्यादा गंदा रहता है, जिस पर पसीना ज़्यादा आने की वजह से गर्मी दाने, पित्त दाने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के अमकानात बाकी दिनों की निस्बत थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप दिन में बच्चे को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी नहला सकते हैं ताकि जिस्म बच्चे का साफ सुथरा रहे और जिस्म से पसीना भी साफ हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी पैदा होने वाले जरासीम जिस्म पर लगे हुए हैं तो वो भी धुल जाए। लेकिन नहलाते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो नहाने वाले पानी का टेम्परेचर मौसम के मुताबिक अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वो बच्चे को इरिटेट ना करे। दूसरा ये कि हर दफ़ा हर बार साबुन लगा के नहाना ज़रूरी नहीं होता, दिन में एक दफ़ा भी साबुन के साथ अच्छी तरह नहा लिया जाए तो गुजारा हो जाता है, जिस्म साफ सुथरा हो जाता है। एक से ज़्यादा दफ़ा आपने बच्चे को नहलाना हो तो सिर्फ पानी से नहलाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और नहाने के बाद बच्चे को नरम कॉटन स्टफ के खुले और हवादार कपड़े पहनाएं, लूज फिटिंग कपड़े पहनाएं, रेडीमेड और टाइट फिटिंग कपड़ों से गुरेज करें।